नेक्स्ट देखते हैं, अब की क्यू क्यू का चार्ज है, थीटा थीटा का एंगल है, कहा क्या है, वी नाउ इंक्रीज द चार्ज ऑन लेफ्ट फिथ बॉल फ्रॉम क्यू टू टू क्यू वाइल लिविंग द मास इनिशियली अनचेंज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द न्यू इक्विलिब्रियम कॉन्फिगरेशन। अब देखो दोनों का मास सेम है, केवल हमने क्या किया, एक को जो लेफ्ट वाला है यानी ये वाला, इसके चार्ज में हमने हमने क्यू का चार्ज इसको और सप्लाई कर दिया है। ठीक, जैसे इस पे क्यू का चार्ज आएगा दोनों के बीच में जो रिपल्शन है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था एफई, पहले मान लो एफई ऐसे लग रहा था और एमजी ऐसे लग रहा था, दोनों पे ही सेम फोर्स था, सेम एफई सेम एमजी, तो दोनों का एंगल भी सेम था। अभी भी एफई चेंज होगा तो ये एफई प्राइम हो जाएगा, एफी प्राइम, और ये पहले से बढ़ गया है। अगर पहले से बढ़ गया ये वाला वेक्टर, अगर बढ़ गया तो रिजल्टेंट इसकी तरफ शिफ्ट होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन जितना उधर बढ़ेगी उतना ही इधर बढ़ेगी, क्योंकि ये एफी प्राइम इधर हुआ है तो एफी प्राइम इधर भी हुआ है। तो चार्जेस भले ही अलग अलग है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम है ना, तो इस तो जो फाइनल एंगल होगा वो भी पहले से ज्यादा होगा लेकिन दोनों साइड सेम होगा, तो डी राइट आंसर आएगा।